दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कोरोना वायरस के वाधे मामलों के मद्देनजर शहर में अपने गुरद्वारों और सिख्या संस्थावां के कंपलैक्सा में 850 बिस्तरों वाले कोविड देखभाल केंद्र बनाने की मंगलवार को पेशकश की थी। डीएससी एमसी मुखी मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इन केंद्रों को हल्के बुखार गले च खारश और होर हल्के लक्षणों वाले मरीजों लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख के गुरुद्वारों के कंपलैक्सा में 850 बिस्तर वाले कोविड देखभाल केंद्र बनाने की पेशकश की गई है। डीएससी एमसी ने दिल्ली सरकार को कोविड देखभाल केंद्र बनाने और तुरंत इन्हां दे संचालन की मंजूरी देने की अपील की है। सिरसा ने कहा कि यह केंद्र मरीजों को बेहतर मेडिकल देखभाल ऑक्सीजन और प्रयोगशाला सेवावां मुहैया करवाएंगे और खाण पीन और होर चीज़ों की बेहतर व्यवस्था करेंगे। जिन्हें गुरुद्वारों और संस्थाओं में कोविड देखभाल केंद्र बनाने की पेशकश की गई है उन्होंने गुरुद्वारा नानक प्याओ साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब के गुरु हरकृष्ण यात्री निवास, गुरुद्वारा रकाबगंज के गुरु अर्जन देव यात्री निवास, गुरु गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल ने। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ निगम टीवी।